जी आपको मैं बताते चलूं कि एक हमारी बहुत अच्छी फेमस सिंगर हैं, न्यू टैलेंटेड जी सिंगर जी हैं मेहरू मेहरू अमेरिका मेहरू सईद साहिबा, और बहुत अच्छी लेडी हैं, यंग लेडी हैं और अब्रॉड होती हैं अमेरिका में, बहुत अच्छी आवाज की मालिक हैं। और इनका एक पहले भी गाना जानी वो वाला नहीं, दूसरा जानी था जानी। तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी हम लोग ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? आप इस वक्त FM वर्ल्ड नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव हैं और पूरी दुनिया आपको देख और सुन रही है। मेहरू सईद साहिबा, क्या कहेंगी आप? बस मैं कहूँगी आई एम रियली एक्साइटेड। यहाँ पे वैसे ढाई बज रहे हैं एक्चुअली, रात के रात के 8 बजे, सुबह के 8 ढाई बजे सॉरी, पाकिस्तान में तो दिन के इस वक्त 11:45 हुए, मतलब सुबह के हो गए। जी मेहरू, आपका ये अगला ट्रैक हम प्ले करेंगे प्रोग्राम में, बेनियाज। और ये पहले ये बताएं, गुलुकारी का शौक आपको कैसे हुआ, ये जरा हमारे तमाम दुनिया को बताएं, देखने सुनने वालों को। जी शुरू से ही मुझे शौक था, मैं एक दफा पहले भी इधर आई थी आप लोगों के साथ, FM वर्ल्ड के साथ सजाद साहब जो है उनसे मेरी बात हुई थी जानी जानी के बाद, तो शुरू से ही शौक था। लेकिन वो यही होता है ना कि इफ यू आर रियली स्मार्ट तो आपको आपके पेरेंट्स जो है वो हमेशा कहते हैं कि भाई बस अब तुम्हें इसको नहीं परस्यू करना, यू जस्ट हैव टू कलेक्ट डिग्रीज एंड ऑल दैट। सो आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट एंड ऑल दैट, आप जो बात कर रही हैं ना बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। मैं कह रहा था एक अदद आप ना इंग्लिश में भी ट्रैक गाइए, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है उर्दू में, तो मैं सुन के रात को मैंने को 500 दफा आपका गीत सुना बेनियाज, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन शायरी और जो आपका अंदाज था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम सो ऑनर्ड। लेकिन बासित साहब ये वाला जो गाना है इसीलिए मैंने इसके अंदर स्पैनिश भी डाली बीच में, ताकि उर्दू और स्पैनिश जो है वो मिलकर इस गाने में हो, तो क्योंकि ये मैंने लिखा था जब मैं कोलंबिया से वापस आई थी। कोलंबिया जो है वो लातिनी अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, जो लातिनी मतलब साउथ अमेरिका में, वहां पर एक मुल्क है। और व्हेन आई ग्रू अप तो आई रेड गैब्रियल गार्सिया मार्केस, जो एक इनके बहुत मशहूर कोलंबिया के ऑथर है, ठीक है, तो उनको मैं पढ़ा था, फिर मैं उसी वजह से कोलंबिया गई। तो कोलंबिया के जो एंडीज माउंटेन है वहां का जो इलाका है वो बिल्कुल आपको बताओ, वहां पे मुझे सवात याद आ रहा था, बिकॉज वहां पे उनका एक पुनिडियो रिवर है, उनका दरिया है जो बिल्कुल दरिया सवात की तरह है, वहां पर चाउस भी होती है। तो वो सारा बिल्कुल वही, फिर मैं वापस आई तो मैंने ये गाना लिखा, और मैंने सोचा कि मैं उर्दू और स्पैनिश बीच में डाल के वी गो आई विल डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट। जो आपका आइडिया था उसमें आप कामयाब रही, तो मैं आपको साथ साथ जी और आपको ये साथ साथ हम लाइव इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख सुन रही है मेहरू सईद साहिबा, आपको ये कहेंगे कि जब भी आपने पाकिस्तान तशरीफ लाना है तो आपने हमें इज्जत बख्शी है, स्टूडियो तशरीफ लाएं और हम आपका इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू भी करेंगे। इंटरव्यू इंशाल्लाह। और आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? जी जैसा कि मैंने मेरी पहले भी जब बात हुई थी आप लोगों से तो FM वर्ल्ड से, तो मेरा यही था कि मेरा हर गाना जो है ना वो मुख्तलिफ है, ये नहीं है कि वो एक ही कलाकार गाना है, क्योंकि इट विल रिफ्लेक्ट माई ट्रेवल, इट विल रिफ्लेक्ट माई नॉलेज। तो आप मैंने लिखे हुए हैं और इंशाल्लाह तो इट्स गोइंग टू बी इन द अपकमिंग ईयर, आई हैव प्लान कि आई विल रिलीज 2 more songs or 3 डिपेंडिंग ऑन व्हाट हाउ इट गोज। थैंक यू वेरी मच मेहरू सैयद, बासित भट्ट की दुआएं आपके साथ हैं, FM वर्ल्ड की, वहीद शेख साहब की, और हमारा चैनल आपका मुंतजर है, जब आप पाकिस्तान आएंगी तो आपका हम स्टूडियोज में मेरे प्रोग्राम में आपको शामिल। थैंक यू वेरी मच।